नमस्कार। दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा, गहरी सांस भरेंगे और तीन बार ओंकार का चारण। नमस्कार मुद्रा गायत्री प्रार्थना। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सहना भवतु, सहना भुनक्तु, सह वीर्यं करिवावहे, तेजस्विनावधीतमस्तु, मा विदेष्वावहे। ओम शांति शांति शांति। अपनी दोनों हथेलियों को अच्छे से रब करेंगे और गरम गरम हथेली अपनी आंख में चेहरे पे लगाते हुए बैठ सके किसी कारण बस, तो आप पटा को इस्तेमाल कर सकते हो। आप जैसे मैंने बैठी हुई हूँ अभी, चेयर या मुड्ढा या पटा टाइप का कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उसे बैठ के एक्सरसाइज सारी की सारी आप कर सकते हैं। तो अभी हम पैर के पंजे खींचेंगे अंदर की साइड, पूरी तरह से पैरों को सीधा करेंगे हम। इस तरह से पैर के पंजे को सीधा करते हुए पैर के पंजे को पूरी तरह से खींचेंगे, हमारे निचले हिस्से के जितने भी मसल्स हैं वो पूरी तरह से खींचेंगे। पूरा खींचे, ताने अच्छे से और बाहर की तरफ ताने, पंजे को बाहर की तरफ ताने। श्वास छोड़ते हुए अंदर की तरफ ताने अच्छे से, श्वास भरते हुए बाहर की तरफ, श्वास छोड़ते हुए ताने अंदर की तरफ। पूरा ध्यान अपने पैरों के निचले हिस्से पर, श्वास भरते हुए बाहर की साइड। गोल गोल घुमाएंगे हम इसी को, दोनों पैरों को अच्छे से पंजे को गोल गोल घुमाते हुए श्वास भरते और छोड़ते रहेंगे। ये छोटी मोटी क्रियाएं हैं जो कि आपके पैरों में इतनी पावर ला देती हैं कि आप दौड़ने लायक हो जाते हैं, जो कि चलने में भी दूभर ऐसा लगता है कि शरीर बिल्कुल बोझवान हो गया है, थोड़ा सा चलना पड़ जाए तो बिल्कुल एकदम भारीपन आ जाता है। एंटी उल्टा घुमाएंगे, जरा सा हम बीमार पड़े नहीं, जरा सा हमें दो चार बार फ्रेश होने जाना पड़ा और बस हमारे शरीर में जैसे पूरा पानी निचोड़ गया हो, ऐसा प्रतीत होता है कई बार तो। लेकिन फिर भी हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग करने के लिए श्वास पर आपको फोकस करना पड़ेगा। ऑटोमेटिक आपकी सारी की सारी इंद्रियाएं, सारी की सारी मसल्स, लिगामेंट्स, बोन्स वापस उतनी ही ऊर्जावान हो जाएंगे। एंड रिलैक्स, पैर के पंजे को स्ट्रेट रखना है और उंगलियों को, अंगूठे को दबाना है, पूरी तरह से बेंड करना है और खोल देना है। श्वास छोड़ेंगे और श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे और श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे और श्वास भरेंगे। कंटिन्यू इस क्रिया को करते हुए फोकस पूरा उस अंग में लेकर जाना है जिस अंग का हम व्यायाम कर रहे हैं। एंड रिलैक्स, एक बार बैंड करेंगे फिर खोलेंगे, एक बार बैंड करेंगे फिर खोलेंगे। लगभग लगभग आपको इसको तीन बार दोहराना है, 20-20 के तीन सेट। वन, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें।
क्रिया है, लेकिन इसमें भी आप बहुत अच्छे से अपना जो फैट है वो बर्न कर सकते हैं। ये साइड का जो शेप है जो बहुत गंदा लगता है, हिप्स का नहीं साइड का, ये जो साइड आपकी जो थाई वाला भाग का बाहर की साइड वाला फैट है वो बड़ा गंदा लगता है, शेप ही बिगाड़ देता है पूरी तरह से, उसको मेंटेन करता है। आज हम ज़्यादातर उसी के बारे में फोकस करेंगे। हर बार पंजे को खड़ा करना है, एंड लैक्स। अब हमें क्या करना है, हमको पैर के पंजे को बैंड कराते हुए यहाँ साइड में ला के लेकर आना है, वापस लेंगे और सीधा कर देंगे, फिर बैंड किया, फिर साइड में रखा, फिर वापस लाए और सीधा कर दिया। बड़ी जल्दी आपका जो एक्स्ट्रा चर्बी है वो पूरी तरह से बर्न होना शुरू हो जाएगी। आप करके देखिए, सेम एक्सरसाइज करने से कई बार क्या होता है, ढीट हो जाता है बॉडी, तो उसको थोड़ा सा चेंज करना होता है, बस मैनुअल चेंज हो गया ऑटोमेटिक उसमें अटैक पड़ जाएगा। ये देखिए, साइड में पूरा अंदर की तरफ वाला फैट और बाहर की तरफ वाला फैट पूरी तरह से आपका, अभी जब हम रोकेंगे तब आप आंख बंद करके देखिएगा, वाइब्रेशन होगा। एंड रुक जाएंगे। देखिए, बड़ी बड़ी बातें करके मैं आपको प्रलोभन दूं कि इससे ये हो जाएगा, उससे वो हो जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा, ना आप करेंगे और ना फायदा होगा। मेरे साथ कर लीजिए, फिर देखिएगा, कम 10-15 दिन तो और आऊँगी जब तक ये चल रहा है, तब तक ही कर लीजिए, फिर देखिएगा आप, आपके अंदर परिवर्तन आएगा। सेकंड राउंड फिर चलते हैं हम, बैंड एंड साइड में लेकर गए, वापस उसी जगह सीधा कर लिया, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस एंड रिलैक्स। एक बार रिलैक्स करेंगे, आंखें बंद, पूरी तरह से पैर सीधे रहेंगे, अनुभव करेंगे पूरी तरह से वाइब्रेशन को, शरीर से पसीना छूटने लग गया है, श्वास पर ध्यान, अपने भीतर ही ध्यान दीजिए। लास्ट राउंड, थर्ड राउंड, फिर से वापस इसी क्रिया करेंगे, करके देखिए फायदा होगा आपको, और भी बहुत सारी चीज़ों में फ़ायदा होगा, सिर्फ एक चीज़ में मत सोचिए, फैट बर्न होगा, आपकी साइटिका नब्ज है, बैरिकोज वेंस है, वाटर रिटेंशन है, बहुत बुरी तरह से बाल्टी आ जाते हैं कई बार, उन सब के लिए अच्छा है। करके देखिए, अगेन लास्ट राउंड, दो तीन चार पाँच छः, एक बार बैंड किया, साइड में ले गए, तनाव पड़ा, ये सीधा है, ये सीधा, फिर वापस लाए, रख दिया, छः सात आठ, सामने से कर दिखाती हूँ, आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस। और एक बात, इसमें आपके जो निचले हिस्से में जो फैट है, जो कुछ भी कपड़े पहनते हैं अच्छा नहीं लगता है, वह भी जाएगा साथ के साथ, और जिनको भी
जननांगों में कोई भी तकलीफ है, इंटरनल जो भी आपके जो हमारे सेक्स चक्र में सेक्सुअल जो प्रॉब्लम्स होती हैं बहुत सारे लोगों को, महिलाओं को, पुरुषों को, उन सब में भी बहुत फ़ायदा होगा। तो जेनेटिक ऑर्गन आपके स्ट्रांग होंगे, प्रोस्टेट स्ट्रांग होगा, ओवरी और यूट्रस स्ट्रांग होगी। तो करके देखिए, बहुत छोटी छोटी चीज़ों में बड़े बड़े हमारे रोग खत्म कर सकते हैं हम, सिर्फ दिमाग लगाइए। और कि आपको श्वास और प्रश्वास के साथ इस क्रिया के साथ जोड़ना है, लगभग लगभग 15 दिन तो कीजिए एक जैसी क्रिया, फिर आप रिजल्ट देखिएगा, आपको पॉजिटिव आएंगे। नेक्स्ट, अगली क्रिया करने के लिए तैयार होंगे, पहले हम खड़े हो जाते हैं। थोड़ा सा मूवमेंट कर लें, अभी तो हम आए हैं, तो गोल गोल घुमाएंगे, 1 2 3 4। हर एक चीज़ में मैं काउंटिंग क्यों करती हूँ, ताकि मैं जुड़ी रहूँ। तो आपको यही सिखाती हूँ कि आप अगर काउंटिंग में रहेंगे ना, तो आप जुड़े रहेंगे। जो भी आप कर रहे हैं तो आपको लगेगा 20 बार किया है, 20 बार उल्टा भी करना पड़ेगा। अब थोड़ा सा जब ये ले गए तो देखिए यहाँ का भी खिंचाव होगा। रिवर्स, पूरी तरह से बैक मसल्स पूरी तरह से आपकी, देखिए एंड चेंज करेंगे हाथ। एंड दोनों हाथों को यहां रखेंगे और दोनों कोहनी को मिलाने की कोशिश करेंगे। एंड धीरे से रिलैक्स। नर्वस सिस्टम स्ट्रांग होता है, नर्वस सिस्टम अगर कुछ भी उसमें प्रॉब्लम हो जाती है, बॉडी काम करना बंद कर देती है, बिल्कुल तरह से पैरालिसिस जैसे वाली बात हो जाती है, अंग काम नहीं करता, एकदम लगता है जो मतलब कि बिल्कुल पावर नहीं है हाथों में पैरों में, अगर नर्वस सिस्टम में कोई भी प्रॉब्लम होती है। तो ये तो रोज करना ही है हमको, उसको प्रेशर डालना है, पावर देनी है। श्वास के साथ गर्दन का मूवमेंट करेंगे, श्वास भरते ऊपर जितना आपसे हो सके, श्वास छोड़ते हुए आगे से नीचे। एंड चेंज करेंगे हम, एंड चेंज करेंगे मूवमेंट। आपको मालूम है श्वास का, पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ, श्वास छोड़ते हुए साइड में जाएंगे, श्वास भरते बीच में आएंगे। एंड रोटेट करेंगे, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, श्वास भरते हुए दूसरी साइड जाएं, बैक आ जाएं। एंड चेंज करेंगे बैक, आहिस्ता आहिस्ता आराम आराम से कीजिए, जुड़े रहें अपने शरीर के भीतर श्वास के साथ और पॉजिटिविटी के साथ। एंड धीरे से रिलैक्स, थोड़ा सा मूवमेंट करेंगे हम कंधों का, देखिए एंड रिवर्स।
शोल्डर रोटेशन, थोड़ा सा आगे की साइड लाएंगे और कोनी मिलाने की कोशिश करेंगे। इस तरह से कोनी मिलेंगी आपकी, ये देखिए अच्छे से, और फिर पीछे से कोशिश कीजिए आप मिलाने की। ध्यान रखिएगा जब ऊपर ले जाते हो तो सांस भरेंगे और जब नीचे लाते हो तो सांस छोड़ोगे। मिरर के सामने कीजिए, मिरर को सामने रख दीजिए और उसको देखते हुए कीजिए। एंड रिलैक्स, गहरी सांस लेते छोड़ते रहेंगे। कॉन्फिडेंस लेवल देखिए अपना, थोड़ा सा गोल गोल घुमा लीजिए। एंड चेंज, ऊपर ले जाते समय सांस भरेंगे और नीचे लाते समय सांस छोड़ेंगे। एंड रिलैक्स, खींचे साइड में, एंड रिलैक्स। इस तरह से लीजिए, अपने हाथ को फेस में लगाइए। अपने हाथ को फेस में लगाते हुए हाथ से फेस को थोड़ा सा, फेस जाएगा हाथ को दबाते हुए। एंड धीरे से रिलैक्स, चेंज करेंगे अब हम, दूसरा हाथ लेंगे इस तरह से और देखिए हाथ का पंजा फेस में लगाया, उस फेस को उसी तरफ ही लेकर जाना है। एंड रिलैक्स, फिर से एक बार करेंगे हम, ये लीजिए आप और पूरी तरह से आपको खींचना है। एंड रिलैक्स, चेंज करेंगे अब हम, देखिए ये वाला हाथ जो है इस साइड जाएगा, इस तरफ का हाथ से इसी तरफ का गाल पकड़ना है, बस ऐसे लेना है, यानी कि आपका लेफ्ट साइड का फेस लेफ्ट हैंड से ही पकड़ना है और लेफ्ट साइड ही फेस को लेकर जाना है। फेस को लेकर जाएं, एंड रिलैक्स। नर्वस सिस्टम, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, फ्रोजन शोल्डर, किसी भी तरह की नस दबी है, पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। कॉन्फिडेंस लेवल आएगा, आप खुद का काम खुद करेंगे। पानी का ग्लास किसी से लेने की जरूरत नहीं है, खुद जाइए लेकर आइए पीजिए, आपका थोड़ा सा बॉडी हरकत करेगा। अब जाएंगे हम, खींचेंगे अपने आप को अच्छे से, खींचिए 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 और खींचिए, थोड़ा और खींच सकते हैं और खींचिए, रुक जाइए यहीं पर। और धीरे से साइड से नीचे आएंगे। मैंने एड़ी उठाई थी, मैं बैलेंस कर पाई पंजे के बल, अगर आप नहीं बैलेंस कर पाते तो कोई बात नहीं, लेकिन स्टार्टिंग में नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे आपको एड़ी उठानी है, उठाएंगे। रेज योर कार्प मसल्स, पूरी तरह से आपकी कार्प मसल्स खींचेंगी, और खींचिए और खींचिए थोड़ा सा, और शरीर का एक एक अंग खींचिए और खींचिए थोड़ा सा। एंड धीरे से रिलैक्स, लास्ट टाइम खींचेंगे अपने आप को। कहते हैं इससे हाइट भी बढ़ जाती है, अगर बच्चे इसको आधा घंटा तक इसी पोज में, इसी पोज को मेंटेन करते हुए अगर वॉक करते हैं तो उनकी हाइट बढ़ जाती है, ऐसा कहा गया है। करवा के देखिए, मात्र आप 90 दिन का कोर्स होता है, 90 दिन में अगर आपके बच्चे की हाइट ना बढ़ जाए, आप करा के देखिए, पूरी तरह से इंजेक्शन जैसा काम करता है ये जो आपका है ताड़ासन। एंड रिलैक्स, गहरी सांस लेते छोड़ते रहेंगे लगातार, वेरी गुड।
अब हम कमर को गोल गोल घुमाएंगे। कमर को गोल गोल घुमाते हुए दोनों पैरों में हल्का सा गैप बढ़ा लिया हमने और कमर को गोल गोल घुमाएंगे। रिवर्स, रिलैक्स, गहरी सांस लेते छोड़ते रहेंगे लगातार। अब हम जाएंगे पूरी तरह से, हमें एड़ी मिलानी है पंजे में दूरी, अर्धकटी चक्रासना। बहुत अच्छा आसन है ये अर्धकटी चक्रासना। रोकेंगे इसमें थोड़ी देर के लिए, आकाश की तरफ मुख कर लेंगे, आंखें बंद कर लेंगे, खिसते हुए शरीर पर फोकस, सांस सामान्य स्थिति में रहेगी। रुक जाए, अपने आप को रोक लें यहीं पर। एंड धीरे से रिलैक्स, दोनों हाथों को धीरे से एक बार ले आएंगे, दो तीन श्वासों का विश्राम। अगेन वापस जाएंगे हम इसी आसन को बैलेंस के लिए। डायबिटीज कंट्रोल करता है अर्धकटी चक्रासना, मोटापा दूर करता है, हमारी साइट की चर्बी पूरी तरह से रिमूव कर देता है, हाथों में पावर लाता है, पूरी तरह से आप देखिए खींच रहे हैं, आपके लंग्स भी पूरी तरह से एक्सपेंड हो रहे हैं, आपका पूरी तरह से हार्ट प्रॉपर तरीके से वर्क करना और अच्छा प्रारंभ कर देता है, और जो भी ब्लॉकेज है हमारी जो नलियों में ब्लॉकेज आ जाती है यानी कि कैलेस्ट्रॉल, उसको भी रिमूव करता है, गुड कैलेस्ट्रॉल बढ़ाता है अर्धकटी चक्रासना। एंड धीरे से रिलैक्स, गहरी सांस लेते छोड़ते रहेंगे लगातार। जाएंगे वृक्षासन। वृक्षासन बहुत ही पॉजिटिव आसन है, उसमें तो समझ लीजिए कि इतनी पावर आती है उस वृक्ष, अब वृक्ष के समान शरीर पूरी तरह से अडल निडल, पॉजिटिव ना हो, निडरता हमारे अंदर आप में विश्वास हो गया। ये आप पूरी तरह से अपने आप को संभाल के, आप दीवार का सहारा भी ले सकते हैं अगर आपको लगता है कि गड़बड़ा रहा है मामला, तो आप दीवार का सहारा लेकर और फोकस कर लें अपने आप को। रिलैक्स, आपके रीढ़ की हड्डी स्ट्रेट होनी चाहिए बस वृक्षासन में, फिर उसके बाद बैलेंस के लिए जाएंगे आप। और एक कोई जरूरी नहीं है भाग दौड़ कर और बहुत ज़्यादा जंप वम्प करके ही आप अपना जो फैट है वो बर्न कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप बिल्कुल खींच कर रखिए अपने शरीर को, आपका जो भी अतिरिक्त चर्बी है पूरी तरह से वहाँ से स्प्रेड हो जाएगी और निकल जाएगी अपने रास्ते से। खींचिए अपने आप को। एंड धीरे से रिलैक्स, एकाग्रता लाता है, स्थिर सुखम आसनम। आप जिस आसन में हो उसमें सुख का अनुभव करेंगे तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। नेक्स्ट, अभी आपने वृक्ष आसन किया, अब इसी में हम आपको कराने जा रहे हैं आपको नटराज आसन। नटराज आसन में क्या करना है कि आप पीछे वाले पैर को थोड़ा सा पकड़ लें, कोशिश करें पकड़ने की, और आगे वाले हाथ को आगे की साइड रखें और थोड़ा सा पेट को अंदर की तरफ दबा के रखेंगे, पूरी तरह से पोजिशन आपकी हो जाएगी नटराज आसन वाली। एंड चेंज करेंगे आप पोजीशन, आपका जो पोज है दूसरी साइड वाला आ जाएगा। आप दीवार का सहारा भी ले सकते हैं अपने बॉडी को पूरी तरह से संभालने के लिए। श्वास पर ध्यान कीजिए, रुक जाइए, सामान्य श्वास चलती रहेगी आपकी, खींचते रहिए जितना आपसे हो सके। एंड धीरे से रिलैक्स,
गहरी सांस लेते छोड़ते रहेंगे लगातार। अब आपको इस तरह से अपने दोनों हाथों को इस तरह से लेना है और एक कोहनी आपकी आकाश की तरफ रहेगी, एक जमीन की तरफ रहेगी और पूरी तरह से आपको इस तरह से पोज बना लेना है। ये भी नटराज आसन का वेरिएशन है। आपके सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। किसी किसी से तो ये हाथ कोहनी आकाश की तरफ नहीं जा पाती है, लेकिन धीरे 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 ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और वहाँ की जो ब्लॉकेज है खुल जाती हैं, नलियाँ बहुत अच्छे से प्रवाहित हो जाती हैं और पूरी तरह से उनका जो रुकावटें हैं वह ख़त्म हो जाती हैं। एंड बैलेंस करने के लिए देखिए, आपकी एक कोहनी आकाश की तरफ, एक कोहनी जमीन की साइड रहेगी और पूरी तरह से अपने आप को, आपको अपनी बॉडी देखनी है तो आप मिरर के सामने खड़े हों। मुझे तो कैमरा बता रहा है कि हाँ मैंने फ्रंट कैमरे में हूँ, तो इसलिए मुझे अपनी पोजीशन पता चल रही है कि मैं कैसी कर रही हूँ। आपको भी आपकी पोजीशन पता होनी चाहिए कि आप कैसे कर रहे हैं। एंड धीरे से रिलैक्स, गहरी सांस लेते छोड़ते रहेंगे। एक हाथ ऐसे रहेगा, एक हाथ पूरी तरह से आपकी फेस को कवर करेगा। पीछे पैर लेकर जाना है आप, तो कैसे लेकर जाना है, ये पूरी तरह से इस तरह से आपको पोजीशन में रखना है अपने आप को। और ये देखिए आपका हाथ पूरी तरह से खींच रहा है, ये खींच रहा है। कई लोगों से तो इतना भी नहीं होता है, तो यह भी एक नटराज आसन का ही एक वेरिएशन है। उसमें आपको होल्ड करना है कम से कम 20 सेकंड के लिए। एंड चेंज करेंगे हम और जाएंगे हम पूरी तरह से अपनी बॉडी को हर तरह से स्ट्रांग बनाना है। एंड रिलैक्स। अब हम जाएंगे, ये भी नटराज आसन का ही आपका एक पोज है, तो अपने आप को देखिए, कलाई देखिए, एक ऊपर की साइड हो, एक नीचे की साइड हो रही है और आपका पैर देखिए। एंड चेंज करेंगे आप, करके देखिए, सबके लिए अच्छा है। एंड रिलैक्स, गहरी सांस लेते छोड़ते रहेंगे लगातार। आपने बहुत अच्छी एक्सरसाइज की। अब हम आपको बैठा देते हैं और खड़े होकर जो भी आपने आसन किए हैं उसमें आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा होगा। अब बैठ जाएं सभी। देखिए, बैठ के करने वाले आसन तो बहुत है, लेकिन जो आपको सूट करे वही करना है। तो जरूरी नहीं है कि हम हजारों की गिनती में जाएं, हम कुछ दो या चार को ही लेकर चलते हैं और उसमें ही अपना पूरे तरह से पावर ले गेन करते हैं। तो जो सरल है उसमें ही जाएं, तो सरलता हमें कहाँ मिलेगी, नाव चलाते हैं, बहुत अच्छी नाव चलाएंगे। अपनी जिंदगी, अपनी जो जिंदगी की नैया है उसको पार करनी है तो आ जाए नाव चलाएं। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड रिलैक्स, गहरी गहरी सांस लेते छोड़ते रहेंगे। जितनी हमने सीधी नाव चलाई है उतनी हम उल्टी चला लेते हैं, अपनी जगह आ जाएंगे तो बैलेंस भी हो जाएगा हमारा शरीर का। तो चले, अभी हम ऊपर से नीचे आ रहे थे,
अब हम नीचे से ऊपर जाएंगे। रिलैक्स, रुकना बहुत जरूरी है, पसीना छूटता है रुकने से। अब हम चलेंगे नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है हमें सरल, सरल क्या लगेगा हमें, तो हम चक्की चला लेते हैं। देखिए चक्की चलाना सबके लिए बहुत अच्छा है, बच्चों में बहुत ज़्यादा दिमाग तेज होता है, लेडीजों में यूट्रस ओवरी दबती है तो उनके अंदर एक अलग सी पावर आती है, पुरुषों में प्रोस्टेट ग्लैंड बहुत स्ट्रांग हो जाता है, उनमें अलग जोश आ जाता है। तो ये सबके लिए है, तो चक्की चला लेते हैं, चक्की सबसे अच्छी होगी। तो उसके लिए हमें क्या करना है, देखिए मैं वेरिएशन बता देती हूँ, मैं कोई ऐसा तो है नहीं बता के चली जाऊँगी, मुझे करवाना है आपको। तो आपको जानु शीर्षासन में चक्की चलानी है, सिंपल। कैसे करनी है, वन टू, पेट दब रहा है ना, थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। अब देखिए जब आगे झुकेंगे तो पेट दब रहा है तो सांस बाहर जाएगी, और पीछे आए तो पेट फूल रहा है तो सांस भरेंगे। टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। अब बैलेंस कर लेते हैं, जानु शीर्षासन का बैलेंस चलेगा, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। ध्यान रखिए घुटना बिल्कुल सीधा रहे, घुटना उठना नहीं चाहिए आगे झुकते समय, घुटना नहीं उठना चाहिए, ध्यान रखना इस बात का। नाइन टेन रिवर्स, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। जानु शीर्षासन में हमने क्या चलाई, चक्की। अब हम क्या करने वाले, दोनों पैरों को खोल लेंगे, और वही जब पेट दबेगा तो सांस बाहर जाएगी, पेट खुलेगा तो सांस भरेंगे। तो आगे जाते समय आपको क्या करना है, सांस छोड़नी है। बहुत लोग बोलते हैं कि बीच में क्या पानी नहीं पीना चाहिए, क्यों नहीं पीना चाहिए, अगर आपका पसीना निकल रहा है तो आपको पीना चाहिए पानी, एक दो घूंट बीच में आप पानी पी सकते हैं। तो पानी ले सकते हैं आप। अब आपको क्या करना है, वही चक्की चलानी है, आगे गए सांस छोड़ेंगे, पीछे आएंगे सांस भरेंगे। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन रिवर्स, वन टू, अपने पैर के पंजे के बाहर ले जाने की कोशिश कीजिए, थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एंड रिलैक्स। अभी आपने चक्की चलाई दो तरह की, अब तीसरे में, अब देखिए थोड़ा सा वेरिएशन दे रहे हैं, बहुत अच्छा रहेगा,
क्योंकि आज की डेट में सबसे ज्यादा व्यक्ति परेशान कब होता है, जब उसका मोटापा बढ़ जाता है। तो मोटापा कम करने के लिए थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। तो दोनों पैरों में थोड़ा सा कम से कम 1.5 फुट का फासला कर लीजिए। 1.5-2 फुट का फासला करते हुए आपको चक्की चलानी है। तो आप ऊपर से नीचे भी ले जा सकते हैं या फिर आप इसी तरह से ही चला सकते हैं। सांस छोड़ते हुए आगे जाएंगे, सांस भरते पीछे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब कई लोगों को तो कब्ज की बड़ी प्रॉब्लम है, दिन भर घर में है, कहीं जा नहीं रहे, कब्ज भरा पड़ा है, खाना खाने की इच्छा नहीं कर रही, इतना अच्छा अच्छा खाना बन रहा है आजकल, तो करे क्या। तो उसमें आपकी चक्की चलाइए, कब्ज टूटेगा, बहुत अच्छे से कब्ज टूटेगा और भूख भी लगेगी। एंड रिवर्स करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। मैं बोलूंगी स्वाधिष्ठान चक्र बहुत एक्टिव होता है। तो आम इंसान को क्या फर्क पड़ता है स्वाधिष्ठान चक्र क्या है भाई, हमें तो ये है कि हमारा पेट साफ कर दो बस, तो हमें कोई भी ठान आ जाए हमें उससे मतलब नहीं है। तो आम व्यक्ति को ये भाषा नहीं समझ में आएगी, इसलिए मैं बोल देती हूँ कि कब्ज टूटेगा ये सब चीज़ें, लेकिन वाकई पावर है हर एक आसन में। अब देखिए, आपने चक्की तीसरे तरीके से चला लिया आपने, अब चौथे तरीके की हम जाएंगे। तो चौथा है वो आप थोड़ा सा और दोनों पैरों में गैप कर लीजिए, थोड़ा बढ़ा लीजिए जितना आपसे हो सके, इतना जोर जबरदस्ती के साथ नहीं करना है। और आप वही कि आप आगे पीछे भी कर सकते हैं और दोनों हाथों को ऊपर ले जा के, आप एक हाथ से भी कर सकते हैं, जितनी आप में पावर हो उतनी कर कीजिए। स्टार्ट करेंगे हम, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and relax। एकदम एनर्जी, जैसे एकदम जैसे किसी ने भर दियो, इतनी ज़्यादा एनर्जी आ गई हो। यह हमने चलाई चक्की, जो हमें अलग अलग तरीके से हमने चलाई, जितनी हमारी बॉडी में स्ट्रेंथ है उस हिसाब से हम कर लेंगे। या सभी को कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा कम कम काउंटिंग करके सबको कर लीजिए। अब हम करने जा रहे हैं भूना मनासन, पूरी तरह से यही है, सब जितनी भी टेंशन है सारी यही नाभि पर। देखिए, 7 महीने तक बच्चे का फेफड़ा नहीं बनता तो वो खाना कहाँ से खाता है, सांस कहाँ से लेता है, जीवन कहाँ तक, 7 महीने तक जिंदा है ना, 3रे महीने में कहते हैं डॉक्टर कि भाई बच्चा सांस लेने लग गया, कहाँ से, नाभि ही जीवन है। तो नाभि के लिए क्या करना है, भूना मनासन। नाभि सही तो कहते ना कि पेट सफा हर रोग दफा, तो यही है। चलिए आ जाइए तुरंत। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सांस गहरी भरो, ट्विस्ट कर लो, बॉडी को थोड़ा सा जमीन की साइड ले जाओ, जमीन पर मस्तिष्क लगा दो, वापस आ जाओ भूना मनासन।
कैसे नहीं टूटेगा कब्ज, कैसे नहीं शुगर कंट्रोल होगा, कैसे मोटापा नहीं जाएगा, कैसे हम पूरी तरह से खुश नहीं होंगे, 101% खुश होंगे, 101% हमें हर तरह का फ़ायदा होगा, बस हम ठान लेंगे। और इंसान से इंसान जो है ना, सबसे बड़ी शक्ति है इस ब्रह्मांड में, कोई भी शक्तिशाली है ना अगर, तो वह सिर्फ और सिर्फ इंसान। इंसान जो चाहे कर सकता है, इंसान ही है जो इस सृष्टि को पूरी तरह से मजबूत किए हुए है। आज भी देख लीजिए, हम लोग एक होकर लड़ रहे हैं ना, तो अब सोच लीजिए, अंदर की लड़ाई हो बाहर की लड़ाई हो, लड़ना तो हमें है, और बिना लड़े तो हम पार होगा नहीं हमारा जीवन, तो बस लड़ लीजिए। सुबह शाम मैं आती हूँ, मेरे साथ कर लिया कीजिए, या अकेले कर लें, कोई ऐसा दबाव नहीं है मेरा कि आप मेरे साथ ही करें। नेक्स्ट, अब हम क्या करने वाले हैं, लेटेंगे पहले और भुजंग आसन करेंगे। तो भुजंग आसन के लिए, क्योंकि भुजंग आसन पूरी तरह से हमारे फेफड़े और लंग्स को स्ट्रॉन्ग करता है, इसलिए तो दोनों हाथों को क्या करना है, सीने के आजू बाजू रखेंगे, सांस भरेंगे, खींचेंगे अपनी बॉडी को, अगर हो सके तो घुटना भी खींच लीजिए, तानिए अपने आप को, रोक लीजिए यहीं पर। And relax.